हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनफिदा व्लॉग। मैं हूँ आपके अपनी मनफिदा। होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। सो आज ना मतलब 4 दिन बाद मैं घर से बाहर निकली हूँ, बिकॉज मैं हो गई थी बहुत ज़्यादा बोर एंड मैं कुछ क्रिएटिव करना चाहती थी। तो मैंने न्यूजीलैंड में आके कुछ सोचा कि मुझे चैलेंज मिला है, एक्चुअल में सिस ने दिया है, आज उसका बर्थडे भी है। तो प्लीज़ कमेंट में बर्थडे विश कर देना अगर ये आज ब्लॉग एडिट हो गया तो फाइनली बात ये है कि उन्होंने मुझे चैलेंज दिया है $100 में मैं कितना शॉप कर सकती हूँ। तो उसके लिए हम यहाँ आए हैं, यहाँ ये। सो लेट्स सी कि मैं $100 में क्या क्या शॉप कर सकती हूँ। एंड अभी ये पीछे सिस्टर डिकी में से अपना कुछ स्टफ़ रिमूव कर रहे हैं यहाँ पे बीन्स में डालने के लिए, बिकॉज़ हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा सामान था, मतलब एक्स्ट्रा क्लोथ थे, तो वो स्टफ़ यहाँ डालना है, इन्होंने डोनेट करना है। सो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, ये यहाँ का सबसे बड़ा छोटू मॉल तो नहीं कहूँगी, देखो कितना बड़ा है यहाँ से। तो चैलेंज यही है कि इसीलिए सिस्टर यही लेके आई हैं कि आपको सबसे बड़े मार्ट में लेके जाती हूँ एंड आप $100 में कितना शॉप कर सकते हैं वो देखते हैं। तो आर यू रेडी गाइस? न्यूजीलैंड में मेरा फर्स्ट चैलेंज है, लेट्स शॉप यार। तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्ला। यहाँ से एड्रेस है और हैव अ लुक। नो कैश सेल, ओह गॉड, सीरियसली ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा है यार। तो आई थिंक यहाँ पे मुझे अपने लिए भी कुछ अच्छा अच्छा स्टफ मिलने वाला है। मुमताज़ हो गया स्टार्ट, हैप्पी बर्थडे मुमताज़। सबसे अच्छी बात इन स्टोर्स की ये है, देखो एक ही स्टोर के अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, शू, न्यू, सेकंड हैंड, हैंड बैग, ड्रेसेस, सब कुछ। दास, मैंने चैलेंज लिया हुआ है ना $100 में कितना शॉप कर सकती हूँ, तुमने मुझे चैलेंज दिया है, अब तुम भी थोड़ा हेल्प करो, ठीक है? ओके। क्या प्राइस है इसका? ये है $22, मीन्स $23 का ही है यार। सो अंदर ना थोड़ा सा प्राइवेसी को इम्पोर्टेंस देते हैं, तो उन्होंने वीडियो के लिए मना कर दिया था। तो मैंने पूरा शॉपिंग कर लिया है एंड मैं शो करूँगी आपको उसका हॉल कि मैंने $100 में क्या क्या परचेज़ किया। एक्चुअली मेरे को इतना कुछ पसंद भी नहीं आया, तो जितना मुझसे हो पाया तो मैंने उतना कर दिया एंड आई थिंक मैंने बहुत अच्छा शॉपिंग किया है मेरे हिसाब से। तो उसका जो हॉल है वो मैं घर पर जाके दूंगी। तो सी ये लेके आ रहे हैं सामान मेरा, मैं पहले आ गई थी क्योंकि वीडियो अगेन मैं वहाँ पे नहीं कवर कर सकती थी, तो मैं स्टार्टिंग में कर रही थी, उन जो वहाँ पे कस्टमर्स थे उनको प्रॉब्लम होने लगी, तो इसलिए फिर मैंने बीच में शूट नहीं किया। सो अब जल्दी से घर जाके मैं ये छोटा सा जो हॉल है वो देती हूँ। हे एवरीवन, वंस अगेन आई एम बैक। तो मॉर्निंग के 11:30 बज रहे हैं एंड मैंने सोचा कि बाकी का जो व्लॉग है, वो जो शॉपिंग चैलेंज मैंने $100 का लिया था वो कंप्लीट कर देती हूँ, बिकॉज़ वहाँ तो मैं प्रॉपर शूट नहीं कर पाई। मैंने रीज़न आपको बता दिया है कि वहाँ पर थोड़ा प्रायोरिटी देते हैं अपना स्पेस, प्राइवेसी, इस चीज़ को, तो हमारे इंडिया की तरह नहीं है कहीं पर भी हे गाइस ये वो ब्ला ब्ला, तो यहाँ नहीं चलता है। तो वहाँ उनको ऑब्जेक्शन था, तो मैंने ठीक है, मैंने कहा ओके। तो शॉपिंग मैंने उस दिन कर ली थी कंप्लीट एंड अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या परचेज़ किया $100 के अंदर। सी अभी ऑयलिंग करके जस्ट मैंने ये शॉप किया, घबराइए मत, ज़्यादा शॉप नहीं किया। उसका रीज़न था $100 में यार क्या कर सकती थी मैं शॉपिंग, ज़्यादा तो नहीं। हाँ, 3 चीज़ें खरीदी है मैंने, सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ें। तो स्टार्ट करते हैं जो मेरा खुद का फेवरेट चीज़ है ना, उससे। वो थोड़ा एक्सपेंसिव है इनके अकॉर्डिंग, बट मेरे अकॉर्डिंग वो एक्सपेंसिव नहीं था, गेस व्हाट। एंड हाँ, मैं कोशिश करूँगी कि जो भी प्राइस का अगर मुझे कुछ मिलता है तो वो मैं बता दूंगी स्क्रीन पर। तो सबसे पहले ये मेरे पुमा के शू,
मतलब जब ये मैंने देखे ना, ओह माय गॉड, मुझे बहुत पसंद आए, बहुत 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 ज़्यादा पसंद आए। तो ये मुझे मिला है $50 में, और आप इसका कॉस्ट चेक कर सकते हैं। एक्चुअल में प्राइस जो है यहाँ का, पुमा के स्टोर या पुमा की वेबसाइट से ही तो आप चेक कर सकते हैं। तो मुझे ये बहुत अच्छी डील लगी पर्सनली, बहुत प्यारा था। और अगर इंडिया के हिसाब से हम देखते हैं, तो इंडिया के हिसाब से आई थिंक ये कुछ 14,500-15,000 का शू है। तो ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया, तो ये मैंने परचेज़ कर लिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो डील है, ये मैंने बहुत अच्छी ग्रैब की है। मुझे ऐसा लगता है $50 में ये पुमा का शू बस अनबीटेबल, अनबीटेबल। ये व्हाट अ बिग अचीवमेंट। और जो सेकंड चीज़ मैंने वहाँ से परचेज किया था, वो था ये लेदर का, आई डोंट नो ये मॉम जीन्स है या स्ट्रेट, स्ट्रेट भी नहीं है वैसे मेरे हिसाब से, ये स्ट्रेट पैंट भी नहीं है। एंड इस पर ये कोई लोकल ब्रांड है, जो यहाँ का न्यूजीलैंड का लोकल ब्रांड है। तो ये इसका एक्चुअल प्राइस था $30 आई थिंक, तो मुझे ये मिला $20 में। इस काइंड ऑफ एंकल लेंथ, तो ये भी मेरे मुझे बहुत पर्सनली पसंद आई, बिकॉज प्रॉपर फिटिंग बहुत प्यारी है। एंड लेदर बहुत अच्छी क्वालिटी का है, पॉकेट्स भी हैं, फ्रंट में पॉकेट्स, बैक में भी पॉकेट्स हैं। तो इसे मैं बहुत ज़्यादा स्टाइल करने वाली हूँ। एंड जो हमारा थर्ड प्रोडक्ट है, वो है ये वसल का बैग। थोड़ा क्लोजली मैं दिखा दूंगी, बिकॉज अभी लाइट डायरेक्ट पड़ रही है। तो आई थिंक ये वाइट एंड पीच कलर में है। ये चीज़ें मैंने तीन परचेज किया। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो शॉपिंग का मेन मोटिव था, वो ये था कि कुछ अच्छी क्वालिटी में एंड कुछ ब्रांड्स जो हैं वो ग्रैब करूँ मैं। तो ठीक है, मतलब कुल मिला के मुझे अपना शू भी बहुत पसंद आया, एंड अपना बैग भी बहुत पसंद आया, एंड अपना जो लेदर पैंट है वो भी बहुत पसंद आया पर्सनली। तो ये चीज़ें थी जो मैंने पर्सनली परचेज किया, और इनका क्वालिटी ऑसम था, बहुत अच्छा था। तो ये मेरा हॉल ऐड कर दिया। हॉल तो क्या ही है ये प्रॉपर। इसे स्टाइलिंग वगैरह करूँगी दूसरी वीडियोस में। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये बजट में लगा कि नहीं लगा। मेरे हिसाब से तो ये बजट में है, क्योंकि जो इनका एक्चुअल प्राइस है, अगर मैं उसको देखूँ तो उसके अकॉर्डिंग तो मैंने बहुत अच्छा डील को क्रैप किया, एंड मैंने बहुत अच्छा चैलेंज एक्सेप्ट किया, बिकॉज मैं क्वालिटी पे बिलीव करती हूँ। तो वो चीज़ ध्यान में रख के तब मैंने शॉपिंग किया। तो ये था मेरा $100 का चैलेंज। होप सो नेक्स्ट वीडियो जल्दी आए, और जो अगेन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहेगा, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बाय बाय, लव यू, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।